हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। सुप्रीम स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं विराम चिन्ह के बारे में। हिंदी व्याकरण की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक चैप्टर है हिंदी व्याकरण की जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस चैप्टर को आज हम पढ़ाएंगे। उस चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पूरा हिंदी पढ़ लेते हैं, पूरा हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए या पढ़ने के लिए बहुत सारा इसमें दिक्कत आती है आपको। वो दिक्कत आती है छोटी छोटी चीजें, जो से कि आपको ऐसे एक देखने के लिए मिलेगा, एक ऐसे देखने के लिए मिलेगा, एक ऐसे देखने के लिए मिलेगा और एक ऐसे देखने मिलेगा। इस तरह से कुछ चिन्ह जो है आपको परेशान कर देते हैं हिंदी में, तो उस सभी चिन्ह को कहा जाता है विराम चिन्ह, जिससे कि वाक्य को रोका जाता है, वाक्य को पढ़ने में लिखने में सुंदरता बढ़ती है। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम का अर्थ क्या होता है और पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सारी चीजें की पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य अथवा वाक्यों में किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक ना। कि भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का, जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। एक मिनट में आपको सभी को लिख कर आपको हम देते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो अभी हम समझा दिए हैं, वैसी चीज को बोर्ड पर लिखते हैं, आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। तो भाव या विचार को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक ना। भाव या विचार को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। मेरे भाई, मेरे मित्र, सभी का एग्जाम्पल के साथ एक एक प्रकार के बारे में बताएंगे और उसका एग्जाम्पल बताएंगे, कहां पर यूज करें, कैसे यूज करें। सबसे पहला पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सभी चीज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी में आप ज्वाइन हो सकते हैं। पूरे चैनल, हमारे चैनल पर पूरे हिंदी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अब हम एक एक प्रकार को पढ़ते हैं, पूर्ण विराम है ना, अल्प विराम, अर्ध विराम। अब देखिए मेरे मित्र, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है और पूर्ण विराम हम कहां यूज करते हैं। तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। यह वाक्य के अंत में लगता है और इसका चिन्ह जो होता है वो एक सीधी पाई होता है। यहाँ आपको पूरी डिटेल्स से जानकारी लिख दिया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट्स बना सके। इसका चिन्ह एक सीधी पाई होता है। पूर्ण वाक्य, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह आ रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, ये सभी क्या हो गया, पूर्ण विराम हो गया, यानी कि पूर्णतः वो काम हो रहा है, है ना। तो पूर्ण वाक्य यहाँ लगेगा, पूर्ण विराम, ठीक ना, पूर्ण विराम लास्ट में लगेगा। उसके बाद पूर्ण वाक्यांश में भी पूर्ण विराम, जैसे कि संध्या का समय है ना, सूरज की लाली, आकाश में लाली है ना, नीली पीली जो भी है। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। अल्प विराम जो है या चिन्ह जो है या हिंदी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, उपयोग होने वाला यह विराम चिन्ह है अल्प विराम। इसलिए इसका कुछ नियम भी है, कुछ खास नियम है, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, वो भी हम इस पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान देखिए कि देखते हैं कि ज्यादा वीडियो लंबा होता है तो बैक निकल जाते हैं। जब ज्यादा जानकारी मिलेगा तभी तो ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा, है ना। अब थोड़ा सा आया कोई आदमी बता दिया विराम चिन्ह क्या है, इतना प्रकार है, वीडियो खत्म 2 मिनट में, देखने में बहुत मजा आता, लेकिन क्या है कोई आगे पूछ दिया तो। इसलिए वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो बड़ा है तो क्या हो गया। नेक्स्ट देखिए कि अल्प विराम, इसका अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। इसका अर्थ है थोड़ी देर के रुकना, उसका अर्थ है कि पूर्ण रूपेण रुकना। हिंदी में इन विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे अधिक होता है।
इसके कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं, है ना। पहला नियम क्या है कि वाक्य के जब दो से अधिक समान पदों और वाक्य में संयोजक, आपको बता दे कि संयोजक क्या होता है, संयोजक किसे कहते हैं, संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जरूर देखिएगा। संयोजक जो होते हैं वो कुछ इसको संयोजक कहा जाता है, जैसे कि आर हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, वह हो गया, ये सभी में ये संयोजक आए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन और रोहन घर चले गए, ये सभी क्या है, एक ही काम करने के लिए लगे हुए, एक ही काम लगे हुए, क्या किस काम में, अपने घर जाने में लगे हुए, है ना, घर जाने में, लेकिन सब वाक्य एक ही है और सब समान पद, समान वाक्य में समान काम कर रहे हैं, लेकिन नाम सबका अलग अलग। तो वहां पर एक ही बार बोल देंगे राम, मोहन, सोहन और रोहन, तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी रुकेंगे, राम, मोहन, सोहन और रोहन घर चले गए, ठीक ना। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नहा सोकर, उठकर, नहाकर, खाकर, है ना, और वह कॉलेज चले गया। अब देखते हैं इसके अल्प विराम के कुछ दूसरे नियम। नियम टू में है, अल्प विराम के नियम टू है कि जहां शब्द को, ठीक ना, जहां शब्द को दो या तीन बार दोहराया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। इससे पहले हम बताए थे पहला नियम में कि वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अवयव आर वाला आए तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, मोहन, सोना, रोहन घर चले गए, उठकर, नहाकर और खाकर, वह कॉलेज गया। अब दूसरा नियम है कि सुनो सुनो सुनो, वह क्या कह रही है, या नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि जब दो तीन बार एक शब्द को दोहराया जाए तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। नियम नंबर थ्री में है, यदि वाक्य के बीच इसलिए, किंतु, परंतु, तथापि, अतः, क्योंकि, जिससे, इसी में, जिससे, ये सभी अवयव का अगर प्रयोग होते हैं, ये सभी अवयव का प्रयोग होते हैं तो इनके पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वह लड़का पढ़ने में तेज है, इसी से लोग उसे चाहते हैं, है ना, वह परीक्षा में ज्यादा अंक लाए, इसी के लिए वह सभी के, इसी के लिए उसे सभी जानते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जिसमें इसलिए, किंतु, परंतु, है ना, वह राम घर गया किंतु स्कूल नहीं गया, है ना, राम को भूख लगा हुआ है परंतु खाना नहीं खा रहा है। तो यह जैसा एग्जांपल बता रहे हैं, ये सभी नियम नंबर थ्री अल्प विराम यहाँ पर प्रयोग होता है। नियम नंबर फोर है कि जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो, यानी कि गायब हो, सेंटेंस पूरा हो और उसमें से तीन से चार चीज जो है ना गायब हो, तो वहां पर गायब के जगह पर क्या लग जाता है, तो अल्प विराम लग जाता है। जैसे मैं जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो, मैं जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो, यहाँ पर वह जो है वह लुप्त है। उसी तरह कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो, लेकिन यहाँ पर अगर हम अल्प विराम डाल देंगे तो लिखने में हम कह सकते हैं कि कहना था सो कह दिया तुम जानो, है ना। अब एक और इसका नियम है, पांचवा नियम, भाई ज्यादा नहीं, अभी लास्ट नियम है कि जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होते हैं। जैसे कि प्रिय महाराज, है ना, प्रिय प्रधानाध्यापक, प्रिय छात्र, प्रिय मित्र, भाइयों, समझ में आ गया है, सावधान हो जाएं, तो जहां पर संबोधन किया जाता है, संबोधित किया जाता है, वहां पर भी अल्प विराम लगता है। अब हम बात कर लेंगे अर्धविराम की और प्रश्नवाचक चिन्ह की, आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को छोड़कर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं हम अर्धविराम की। अभी हम जस्ट पढ़ाए थे अल्प विराम किसे कहते हैं और अल्प विराम की पूरी पहचानने का नियम। अब अर्ध विराम से स्टार्ट करते हैं। अर्ध विराम है कि यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन, ये दोनों एक दूसरे का संबंध बता रहा है, आराम मिलेगा, है ना, जब छुट्टी का दिन है तो आराम मिलेगा, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। उसी तरह हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं,
उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, दो तीन जगह होता है इसका कंडीशन है कि जहां प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है ना। दूसरा, जहां स्थिति निश्चित ना हो, है ना, कोई स्थिति जो है वह निश्चित नहीं, जैसे कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, है ना, आप शायद भूखे हैं, है ना, तुम शायद दिल्ली से आ रहे हो, तुम दिल्ली के रहने वाले हो। नेक्स्ट है कि जहां व्यंग किया गया हो, कुछ चीज के बारे में व्यंग किया गया हो, आज चारों ओर भ्रष्टाचार है, है ना, आप पटना से आए हो उस तरह से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, योजक चिन्ह, जो बहुत ही आसान है, इसलिए हम सबसे लास्ट में बता रहे हैं, ठीक ना। आसान चीज को पहले बताना ठीक नहीं है, आसान चीज देख लीजिएगा हमको पूरा आता ही है, बस निकल गया। योजक चिन्ह बिल्कुल आसान है, दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच, जहां विपरीत ऊपर नीचे, यानी कि विलोम शब्द, राजा रानी, दिन रात, है ना, जमीन आसमान।